ये हमारा आईएस कोड लेक्चर सीरीज का 6th लेक्चर है। आज का ये जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसमें हम तीन चीज़ों को कवर करेंगे। पहला, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बाय क्यूब टेस्ट एज पर आईएस 516। दूसरा, फ्रिक्वेंसी ऑफ टेस्ट, यानी कि कितने कॉन्क्रीट पर कितने क्यूब टेस्ट कंडक्ट होने चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे एज पर आईएस 456। और तीसरा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज पर आईएस 456। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यानी कि क्यूब टेस्ट करने के बाद जो टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। सीधी भाषा में अगर हम बोलें तो मतलब हमने जो टेस्ट किया है वो फेल है या पास, इसका डिस्कशन भी हम इस लेक्चर में करेंगे। देखिए, ये जो आईएस 516 कोड है एक इम्पोर्टेंट कोड है, आपको याद रखना है कि ये कोड कहाँ यूज होता है, क्योंकि एसएससी जेई में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये रहा क्वेश्चन, द कंक्रीट क्यूब्स आर प्रिपेयर्ड क्योर्ड एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड। चार ऑप्शन इसमें आपको दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, आईएस 516। तो अब चलिए शुरू करते हैं लेक्चर का फर्स्ट पार्ट, क्यूब टेस्ट। देखिए, क्यूब टेस्ट को हम तीन स्टेप में कवर करेंगे। पहली स्टेप में हम देखेंगे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स और एपरेटस। दूसरी स्टेप में हम देखेंगे सिंपल प्रिपरेशन, यानी कि क्यूब को कैसे तैयार किया जाता है। और तीसरी स्टेप में हम देखेंगे टेस्ट प्रोसीजर। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप है हमारी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स और एपरेटस, यानी कि कौन कौन से एपरेटस या इक्विपमेंट्स लगेंगे आपको क्यूब टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए मिनिमम 3 क्यूब मोल्ड्स क्यूब को कास्ट करने के लिए। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि क्यूब टेस्ट में हम जो क्यूब बनाते हैं उसकी साइज क्या होती है। तो देखिए, दो साइज के क्यूब हो सकते हैं। पहली साइज है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। और दूसरी साइज है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 15 सेंटीमीटर के क्यूब हम कब बनाते हैं और 10 सेंटीमीटर के क्यूब कब बनाते हैं। तो जनरली 15 सेंटीमीटर साइज का क्यूब बनाया जाता है, लेकिन अगर हमें जिस कंक्रीट का क्यूब टेस्ट करना है उसमें 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर से बड़ी साइज का एग्रीगेट नहीं है, तो उस केस में 10 सेंटीमीटर साइज का क्यूब यूज किया जा सकता है। क्यूब की साइज के लिए आप रेफर कर सकते हैं आईएस 516 पेज नंबर 6, क्लॉज नंबर है 2.8। ये देखिए, ये रहा क्लॉज नंबर 2.8, साइज ऑफ स्पेसिमेन। टेस्ट स्पेसिमेन क्यूबिकल इन शेप शैल बी 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर इफ द लार्जेस्ट नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर क्यूब्स में बी यूज्ड। मतलब टेस्ट स्पेसिमेन जो है वो क्यूबिकल होता है शेप में, और जिसकी साइज 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर होती है, और अगर लार्जेस्ट नॉमिनल साइज का एग्रीगेट 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है तो उस केस में 10 सेंटीमीटर क्यूब का यूज किया जा सकता है। दूसरा रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन क्यूब का वेट करने के लिए। और तीसरा, हमें चाहिए नीडल वाइब्रेटर या फिर टेम्पिंग रोड क्यूब को कॉम्पैक्ट करने के लिए। क्यूब को कॉम्पैक्ट नीडल वाइब्रेटर से भी कर सकते हैं और टेम्पिंग रोड से भी कर सकते हैं। देखिए, टेम्पिंग रोड सिंपल सी स्टील रोड होती है जिसका डाया होता है 16 mm और लेंथ होती है 0.6 मीटर यानी कि 600 mm, और इसका एक एंड बुलेट एंड होता है। इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं आईएस 516 पेज नंबर 7, क्लोज नंबर है 2.9.3। ये रहा आपका क्लोज नंबर 2.9.3, टेम्पिंग बार। द टेम्पिंग बार शेल बी अ स्टील बार 16 mm इन डाया एंड 0.6 मीटर लॉन्ग एंड बुलेट पॉइंटेड एट द लोअर एंड। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है CTM, यानी कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, जिससे क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाती है। पांचवा और आखिरी हमें लगेगा ऑब्जर्वेशन शीट, इसमें हम टेस्ट रिजल्ट्स को नोट डाउन करेंगे। देखिए, ये रही ऑब्जर्वेशन शीट, इसके फर्स्ट कॉलम में है सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम में है क्यूब नंबर, थर्ड कॉलम में है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, इसमें जिस भी ग्रेड का कॉन्क्रीट है वो हमें लिखना है, फोर्थ कॉलम में है डेट ऑफ कास्टिंग,
जिस डेट को हमने क्यूब कास्ट किया है वो डेट इसमें लिखना है। फिफ्थ कॉलम में है डेट ऑफ टेस्टिंग, इसमें जिस डेट को हम टेस्ट कर रहे हैं वो डेट लिखना है। सिक्स कॉलम है वेट ऑफ क्यूब, क्यूब का वेट इसमें लिखना है। सेवन्थ कॉलम है लोड, यानी कि जिस लोड पर क्यूब फेल होगा वो लोड हमें लिखना है। एट्थ कॉलम है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, इसमें हमें क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिखना है। देखिए क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया करके, ठीक है। लोड मतलब जिस लोड पर क्यूब क्रैक होगा वो लोड, यानी कि सेवन्थ कॉलम वाला लोड, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि क्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 15 सेंटीमीटर साइज का क्यूब टेस्ट कर रहे हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, या फिर 150 mm × 150 mm इक्वल्स टू ये हो जाएगा 22,500 mm², ठीक है। देखिए दूसरी स्टेप है हमारी सैंपल प्रिपरेशन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक कॉन्क्रीट एज पर मिक्स डिजाइन और रेडी मिक्स कॉन्क्रीट अवेलेबल एट साइट, यानी कि हम कॉन्क्रीट बनाएंगे एज पर मिक्स डिजाइन, जो भी मिक्स डिजाइन दी रही होगी उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो भी रेडी मिक्स कॉन्क्रीट साइट पे अवेलेबल होगा जिसका हमें टेस्ट करना है वो हम ले लेंगे। दूसरी स्टेप हमारी रहेगी फिल द मोल्ड्स इन थ्री लेयर्स, यानी कि जो भी क्यूब मोल्ड्स हमारे पास है उनको तीन लेयर में फिल कर लेंगे, ठीक है। तीन लेयर में कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम 150 mm साइज के क्यूब ले रहे हैं तो 150 mm का 1/3 50 mm, यानी कि पहली 50 mm की लेयर फिल करेंगे, उसके बाद में 25 बार टेम्पिंग रोड से टेम्प करेंगे, फिर नेक्स्ट 50 mm की लेयर फिल करेंगे, फिर उसको टेम्पिंग रोड से 25 बार टेम्प करेंगे, और फिर थर्ड टाइम बची हुई 50 mm की लेयर फिल करेंगे और उसको भी 25 बार टेम्पिंग रोड से टेम्प कर देंगे, ठीक है। टेम्पिंग रोड की जगह आप नीडल वाइब्रेटर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी ट्रिम द एक्स्ट्रा कॉन्क्रीट, यानी कि टॉप सरफेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कॉन्क्रीट रहेगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप रहेगी हमारी कवर द क्यूब मोल्ड्स बाय गनी बैग्स फॉर 24 आवर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 °C, यानी कि जो क्यूब मोल्ड्स रहेंगे उनको हम गनी बैग से ढक देंगे 24 घंटे के लिए, किस टेम्परेचर पर, 27 ± 2 °C पर, यानी कि 25 से 29 °C के बीच के टेम्परेचर पर रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी रिमूव द मोल्ड्स एंड सबमर्ज इन वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 °C फॉर 7 days or 28 days, यानी कि हम क्या करेंगे 24 घंटे के बाद उन क्यूब्स को मोल्ड से बाहर निकालेंगे और पानी में सबमर्ज करके रख देंगे, किस टेम्परेचर पर, 27 ± 2 °C पर, और कब तक रखना है, 7 दिन के लिए या फिर 28 दिन के लिए, जब भी हमें टेस्ट करना है तब तक के लिए। 7 दिन में टेस्ट करना है तो 7 दिन सबमर्ज करके रखेंगे, और 28 दिन में टेस्ट करना है तो 28 दिन तक सबमर्ज करके रखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे टेस्ट प्रोसीजर। टेस्ट प्रोसीजर में सबसे पहली स्टेप हमारी रहेगी रिमूव द क्यूब्स एंड पुट इट फॉर सरफेस ड्राई कंडीशन फॉर 30 मिनट्स, यानी कि जो क्यूब्स हमने पानी में सबमर्ज करके रखे थे उन क्यूब्स को निकालना है और बाहर रख देना है 30 मिनट्स के लिए, ताकि उनकी जो सरफेस है वो ड्राई कंडीशन में आ जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेप रहेगी हमारी टेक द वेट ऑफ क्यूब्स एंड नोट डाउन द वेट ऑफ क्यूब्स इन ऑब्जर्वेशन टेबल, यानी कि फिर हमें उन क्यूब्स का वेट कर लेना है और ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर देना है, ठीक है। तीसरी स्टेप रहेगी हमारी प्लेस द क्यूब्स इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, यानी कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में 1 by 1 करके क्यूब्स को रख देना है। ध्यान हमें ये रखना है कि हम जो क्यूब्स रखेंगे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में वो इस तरह से रखना है कि क्यूब्स की फिनिश्ड सरफेस ही CTM के कॉन्टेक्ट में रहे, ठीक है। यानी कि जो अनफिनिश्ड सरफेस रहेगी हम उसको साइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई लोड एट द रेट ऑफ 140 kg/cm² per minute, यानी कि इसके बाद हम लोड अप्लाई करेंगे और रेट ऑफ लोडिंग रहेगी इसकी 140 kg/cm² per minute, ठीक है।
और ये लोडिंग तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि ट्यूब्स फेल नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद नोट डाउन द लोड एट फेलियर इन ऑब्जर्वेशन टेबल, यानी कि जिस भी लोड पर क्यूब फेल होगा वो लोड हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेना है, ठीक है। देन हमें निकालना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, यानी कि लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये प्रोसेस रिपीट करना है हमें तीनों क्यूब्स के लिए, और तीनों क्यूब्स की जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो कहलाएगी आपकी कंक्रीट सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने तीन क्यूब टेस्ट किए हैं, पहला क्यूब फेल हुआ है 900 किलो न्यूटन पर, दूसरा फेल हुआ है 945 किलो न्यूटन पर, और तीसरा फेल हुआ है 855 किलो न्यूटन पर। और क्यूब की जो साइज है वो है 15 सेंटीमीटर यानी कि 150 mm, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 150 mm मल्टीप्लाई बाई 150 mm यानी कि 22,500 mm², ठीक है। अब पहले क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी लोड 900 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन एरिया यानी कि 22,500 mm², इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 N/mm², ठीक है। सिमिलरली अगर दूसरे क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा लोड यानी कि 945 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन एरिया यानी कि 22,500 mm², इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 42 N/mm², ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी लोड यानी कि 855 किलो न्यूटन, इसको भी न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई एरिया यानी कि 22,500 mm², इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 38 N/mm², ठीक है। तो अब इस सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी तीनों स्ट्रेंथ का एवरेज, तो ये हो जाएगी 40 + 42 + 38 / 3, तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी 40 N/mm², यही आपके सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब देखिए टेस्ट रिजल्ट्स को ऑब्जर्वेशन टेबल में कैसे फिल किया जाता है, तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल किया है, ये देखिए। ये तो हो गया हमारा लेक्चर का फर्स्ट पार्ट, अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। तो सेकेंड पार्ट है हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ टेस्ट, यानी कि कितने कॉन्क्रीट पर कितने टेस्ट कंडक्ट होने चाहिए वो, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमारे IS 456-2000 में एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर है 15.2.2, इसमें एक टेबल दी हुई है फ्रिक्वेंसी ऑफ टेस्ट के लिए। तो देखिए ये रहा हमारा क्लॉज नंबर 15.2.2, इसमें लिखा है द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ ईच ग्रेड शेल बी अकॉर्डेंस विथ द फॉलोइंग, यानी कि किसी भी ग्रेड के कॉन्क्रीट की मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ टेस्ट इस टेबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में है क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट और दूसरे कॉलम में है नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। इसमें दिया है 1 to 5 cubic meter के लिए 1 sample, यानी कि कॉन्क्रीट की क्वांटिटी अगर 1 to 5 cubic meter के बीच हुई तो मिनिमम 1 sample हमें बनाना होगा, ठीक है। सिमिलरली 6 to 15 cubic meter के लिए है 2 sample, यानी कि 6 to 15 cubic meter कॉन्क्रीट हुआ तो मिनिमम 2 sample बनाने होंगे। 16 to 30 cubic meter के लिए है 3 sample, यानी 16 to 30 cubic meter कॉन्क्रीट हुआ तो 3 sample बनाने होंगे। 30 to 50 cubic meter के लिए है 4 sample, यानी कि 30 to 50 cubic meter कॉन्क्रीट हुआ तो 4 sample बनाने होंगे, ठीक है। 51 and above के लिए है 4 + 1 additional sample फॉर ईच एडिशनल 50 cubic meter और पार्ट देर ऑफ। इसका मतलब ये है कि देखिए 50 cubic meter पे तो आपको 4 sample बनाना ही है, ठीक है। इसके बाद हर 50 cubic meter कॉन्क्रीट पे आपको एक एक्स्ट्रा सैंपल ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कॉन्क्रीट की क्वांटिटी है 165 cubic meter, तो देखिए हमें कितने सैंपल बनाने होंगे। देखिए 50 क्यूबिक मीटर के लिए होते हैं मिनिमम 4 sample, 100 क्यूबिक मीटर के लिए हो जाएंगे 4 + 1 यानी कि 5, 150 क्यूबिक मीटर के लिए हो जाएंगे फिर +1 यानी कि 6। इसका मतलब है 150 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए हमें 6 sample बनाने होंगे।
लेकिन हमारे पास टोटल कंक्रीट है 165 क्यूबिक मीटर यानी कि 165 क्यूबिक मीटर, तो उस केस में बचे हुए 15 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए भी एक एडिशनल सैंपल बनाना होगा, यानी कि 165 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए टोटल हमें 6+1 यानी कि 7 सैंपल बनाने होंगे। ठीक है, देखिए एक सैंपल का मतलब होता है 3 स्पेसिमेन, यानी कि एक सैंपल मतलब 3 क्यूब। ठीक है, एक सैंपल मतलब 3 स्पेसिमेन होते हैं, ये भी आपके IS 456-2000 के क्लोज नंबर 15.3 में मेंशन है। देखिए ये रहा क्लोज नंबर 15.3, 3 टेस्ट स्पेसिमेन शेल बी मेड फॉर ईच सैंपल, यानी कि एक सैंपल के लिए 3 स्पेसिमेन बनाने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में 165 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हुआ तो हमें 7 सैंपल यानी कि 21 क्यूब्स कास्ट करने होंगे। ठीक है, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, इस वजह से इस लेक्चर का जो थर्ड पार्ट है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।